I request all the public and people, our institute people, employees, students, that we let us take the advantage of the program which is being launched by Papumpare District Medical Officer and his team. They are giving the precautionary dose, which was declared after 9 months of the second dose, but now it is preponed to be after 6 months. It can be taken. And Azadi ke Amrit Mahotsav ke avsar par Bharat Sarkar ke nirdesh ke anusar hamare Papumpare District Medical Officer aur unki puri team hamare nearest medical health unit par आज आई है और इन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लॉन्च किया है और अभी हमने खुद ले लिया और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे फैकल्टी और एम्प्लॉइज़, ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स, विशेष रूप से रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी जिनका उम्र 18 वर्ष के ऊपर है उनको आगे आना चाहिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि वो प्रिकॉशनरी डोज लें और दूसरे लोगों को भी उत्प्रेरित करें प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली कल शाम को 7:30 हम लोग का ये हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था सेक्रेटरी हेल्थ का साथ, तो उनमें उसमें हम लोग को बताया गया था कि अभी जो कोविड वैक्सीनेशन जो इंडिया में है तो इट हैज़ रिच अराउंड 200 करोड़, तो उसमें से 100 करोड़ जो है फर्स्ट डोज है और 90 करोड़ जो है सेकेंड डोज है। तो अभी उसको देखते हुए मतलब इट इज़ अंडरस्टूड दैट ओनली 8% जो है ये जो बूस्टर डोज हम लोग जो कहता है प्रिकॉशनरी डोज जो कहता है वो ओनली 8% ऑफ द सिटीजन्स आर टेकिंग दिस वैक्सीन। देयरफॉर एक्चुअली दिस व्हाट यू कॉल दिस प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है ये कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव जो है लॉन्च किया गया ऑल ओवर इंडिया। तो अभी हम ये जो कोविन पोर्टल में भी उसको एक्टिवेट किया है, तो इस प्रोग्राम जो है 75 डेज जारी रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और उसमें हम लोग ओनली विल बी प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी डोज जो कि आज से बदल गया है। पहले ये आफ्टर सेकेंड डोज 9 महीना के बाद देता था, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग जो है 6 महीना के बाद दे रहा है और ये जारी रहेगा 75 डेज तक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर मेरा जो डिफरेंट जितना हेल्थ फैसिलिटीज़ है पापुमपारे में अवेलेबल है ये। तो आई एम बोलिए आपके तरफ से क्या चलेगा सर, बहुत सारे लोग दो वैक्सीन लेने के बाद तीसरा वैक्सीन लेने से अभी भी मतलब खतरा था? मैं अभी देखिए कि अभी यू कैन सी द राइजिंग ट्रेंड इन आवर नेबरिंग स्टेट, जैसे कि असम में भी अभी केस बढ़ रहा है, अभी अरुणाचल में भी 400 प्लस हो रहा है, मेरा यहाँ ये क्या बोलते हैं पापुमपारे रूरल में भी 15 अभी पॉजिटिव केसेस हैं। तो इसको देखते हुए तो कोविड हैज़ नॉट गन अवे, चलिए अभी तक हम लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि वेयरिंग मास्क, यू नो वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, फिर कीपिंग डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो है कोविड वैक्सीनेशन तो को तो लेना ही होगा। अगर नहीं लेने से क्या होता है कि मतलब एनीथिंग कैन हैपन ना, कुछ भी नहीं बोल सकता है, वही है बात। तो अभी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द हम लोग का जो सिटीजन जो है कोई कोई बोलता है वैक्सीन लेने का बाद भी होता है, बट दैट इज वो तो हो सकता है, हम लोग मानते हैं, बट देन उसको क्या होना था अगर नहीं लेने से, दैट नोबडी नोज ना, तो लेने से तो बहुत अच्छा है। ठीक है।